नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का जो मंडावर क्षेत्र है वहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आज हम आपको लेकर आए हैं, क्या कहानी है इसकी वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप देख सकते हैं जो गौरी शंकर मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं और जो भक्तजन हैं उनसे अभी हम इसकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सहदेव शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? शहबाजपुर गांव से। शहबाजपुर गांव से रहने वाले हो और यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा पाठ। सेवा करना। सेवा करना जी। डेली घर से आते हैं? हाँ जी, डेली आता हूँ मैं। अच्छा, तो इसकी क्या कहानी है? जैसे गौरी शंकर मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, हमने ऐसा सुना है इसके बारे में जो हमारे बड़े बूढ़े थे जी, कि यहाँ जब शिव जी की बारात कनखल में जा रही थी तो रात्रि के समय यहाँ विश्राम हुआ था शिव जी का। अच्छा। तो आज भी किन किन भक्त को जैसे रविवार की रात्री होती है सोमवार आने वाला होता है, तो किसी को उसी रूप में उसी प्रकार से बारात पूरी दिखती है शिव जी की। कई लोगों ने दर्शन किए हैं यहाँ रात्रि में। अच्छा। और जो भी उस समय मन्नत मांगता ना कोई भक्तजन, तो उसकी पूर्ति होती है उस प्रकार की, तो उसकी भावनाएं होती हैं। अच्छा। मैंने कैसे सुना अपने गांव के, और ये मेन पुजारी हैं यहाँ के, इनके दादा परदादा यही सेवा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कई पीढ़ी जी। हाँ, और जो है इनके पिताजी का नाम है श्री कुड़वा सिंह। कुड़वा गिरी जी। गिरी, कुड़वा गिरी। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक और इसकी प्राचीन कुछ कथाएं सुनी है, किसी लोगों ने बताया था कि वहाँ के काजी वाले कुछ जाट लोग थे। अच्छा। उन्होंने इनको उखाड़ने की कोशिश करी थी यहाँ से ले जाकर के, जो शिवलिंग थे मतलब उनको उखाड़ने की कोशिश करी थी। अच्छा। और उन्होंने अपनी गाड़ी जो होती थी ना पुरानी, बड़े वाले पहियों वाली लकड़ी वाली, वो उनमें रख लिया था उनको। अच्छा। तो वो गाड़ी का जो मतलब धुर टूट गई थी, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी मंगाई वो भी टूट गई, फिर उसके बाद तीसरी मंगाई वो भी टूट गई। तो शिवलिंग से फिर आकाशवाणी हुई थी कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हो, मुझे लेना चाहते हो यहाँ अपने घर से, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, मेरा स्थान यहीं है, आप जो भी आज सेवा करोगे मैं आपकी स्वीकार करूँगा। और जब भी शिवरात्रि हुआ करेगी उस समय सबसे पहले कांवर आपकी चढ़ा करेगी, आवाज़ दिया करेंगे लोग। अच्छा। तो आज भी जब कांवर चढ़ती है तो सबसे पहले उनको आवाज़ दी जाती है काजी वाले उस परिवार को। अच्छा। कि भाई अगर वहाँ उस समय के जो भक्त हैं वो हो तो सबसे पहले कांवर उनकी स्वीकार करेंगे भोलेनाथ जी। जो काजी वाले के हैं जो परिवार है मतलब सबसे पहले उनकी कांवर आज भी चढ़ती है इस मंदिर। हाँ जी। और जो ये शिवलिंग है ये उसी समय का है, पहले यही प्राचीन है, काफ़ी पुराना, पता नहीं कब का है। तो पहले यहीं था या कहीं दूसरी जगह? यहीं था, इसी स्थान पर था, स्थान नहीं बदला इनको। अच्छा। उन लोगों ने स्थान बदलने की कोशिश कर दी ऐसे ले जाने की। अच्छा। लेकिन ये गए नहीं थे यहाँ से कि मैं यहीं मैं विश्राम करूंगा इसी भक्त। और ये मंदिर ये बाद में बना, ये तो ये तो पिछले पिछले वर्ष बना है जी। ये किसने बनवाया मतलब? ये मंडावर के हैं जो रहते रहने वाले वहाँ के, उसके लैगपुरी गए, लेकिन जो उनका नाम है पंकज और सोनू, सोनू भी कहते हैं उनको, तो अग्रगण्य तो वो थे, बाकी फिर उनके पीछे भक्त सभी जुड़े हुए थे, सबने सहयोग करा, आसपास के गांव के ग्रामीण हैं उन्होंने भी सहयोग करा, सभी ने सहयोग से हुआ है, आगे वो बढ़ गए थे। तो ये कौन से गांव में लगता है? ये तीतर वाला। कौन से? तीतर वाले। तीतर वाले गांव। जैसे मंडावर से अगर आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? मंडावर से यहाँ से जो मेन रोड जा रही है हरिद्वार रोड, ये तो इस पर जो है मंडावर के पास से 2-1.5 किलोमीटर निकल कर शहबाजपुर गांव में रास्ता पड़ता है। अच्छा। शहबाजपुर के गांव के द्वारा होकर के आप यहां आ सकते हैं तीतर वाला मंदिर पर गौरी शंकर जी। तो इसमें करीब आपको जो आने का साधन यह है, जैसे रिक्शा चल रही है ना आजकल की, वो उनमें ई रिक्शा में उनके द्वारा आप आ सकते हैं, या और कोई जैसे अपना साधन। तो शिवरात्रि पर किसी मेले का भी आयोजन? हाँ, मेला होता है यहाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा। कई हजार भक्त जन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आप कर देखना कभी भी, अब आने वाली शिवरात्रि शुक्रवार की रात्रि में जी, उसमें आप काफी कांवड़ चढ़ाना, हजारों हजारों हजारों। अच्छा। हाँ, हजारों की भीड़ रहती है, और सावन में भी भीड़। हाँ, सावन में भी इस प्रकार से भीड़ रहती है, मेला भी लगता है, मेला भी लगता है। और यहाँ की ये मान्यता है कि जो भी कोई मन्नत यहाँ पर मांग जाता है भक्तजन, तो उसकी निश्चित पूर्ति होती है भगवान करते हैं। हाँ, और यहाँ भी जो जैसे संकट परेशानी में कोई आता है वो अपनी भावनाएं रखता है तो वो भी स्वस्थ हो जाता है शरीर से जी। ये इतना सुना है इसके बारे में। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है जी? सुखराम गिरी जी। सुखराम गिरी जी, तो जैसा बता रहे थे कई पीढ़ी आपके यहाँ जो हो वो सेवा कर रही हैं और आप भी कर रहे हो जी जी जी। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं या केवल जिला बिजनौर तक ही सीमित है? ऐसा आज से लगभग अगर 25 साल पीछे जाया जाओ जी, तो ये जो स्थान रहा ये स्थान गोपनीय रहा। अच्छा।
क्योंकि पहले इतनी साधन सुविधा नहीं थी जी, इतनी नेट सुविधा नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था जी, जी, दूसरी बात यहाँ रास्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं थी जी, खाली एक गन्ने में गुबटिया जाती थी जी, कच्ची, वो भी गन्ना रहता था जो भी था, गन्ने की हालत आप सब लोग सब समझते हो कैसे हालत रहती है गन्ने की। हाँ, तो मतलब जो अब आज से कोई 15-20 साल पहले जो सड़क बनी है तो आवागमन गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का और आने वाले लोगों का ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ये रास्ता किसने, ग्राम प्रधान ने बनवाया, किसने बनवाया या ऐसे भक्तजनों ने बनवाया? हाँ, भक्तजनों के सहयोग से ही, हाँ मतलब जैसे चकबंदी होती है, चकबंदी के द्वारा रास्ता छुड़ा गया था जी। अच्छा जी जी, तब से यहाँ मतलब लोग बाग आना शुरू हो गए और इसके बारे में जानकारी, जागृति जागृति बढ़ती चली गई। जी 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 जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ के हो जी आप? फजलपुर के। तो आपके नज़दीक में आ रहा है? बहुत पास आ रहा हूँ। पास आ रहा है। कितना पुराना होगा ये, कुछ इसकी कहानी का पता जो बुजुर्ग सुनाते हो? बहुत पुराना है। कुछ सुनाते हैं इसके बारे में? इसके बारे में ज़्यादा सुनाया नहीं हमारे बारे में, पर पुराना बहुत है। पुराना बहुत, मतलब आस पास के क्षेत्र की काफ़ी आस्था। हाँ, बहुत आस्था। और जैसा शिवरात्रि का त्यौहार पर कैसे काफ़ी भीड़ रहती है? मेला लगता है, बहुत बड़ा है मेला लगता है। क्या दिन चलता? एक दिन ही चला मेला थे, एक दिन। हाँ, पर ट्रामड़ बहुत चढ़ती है इस पर। अच्छा। यहाँ से लेटर बाला वाली से लेटर। अच्छा। इधर ट्राजी वाला, मंडावर और चंदर साइड से ही ट्रामड़ ही चढ़ती है। तो कई गांव के लोग मतलब आते हैं यहाँ? हाँ, ट्रामड़ चढ़ाने के लिए। कम से कम 50 गाँव के। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका जी? आपका कुड़वा गिरी। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गई मेरे ख्याल से 5 पीढ़ी हमारी यहाँ रहती है। 5 पीढ़ी रह गई, हो गई आपकी। तो ये सिंधी जो देख रहे हैं हम, ये तब का ही है, आपसे भी पहला ही है? पहला ही है जी, हमसे भी, मेरे बड़ों से भी पहला ही है। बड़ों से भी पहला ही। तो ये बढ़ता नहीं कुछ या उतना ही है जितना देखा था आपने? देखी है, इतना ही है जी। उतना ही है? मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं पड़ी? अभी कुछ नहीं पता, जिसका पता सब तालिंग में, इसका क्या पता नीचे कितना। अच्छा, नीचे का पता नहीं, नहीं ऊपर कुछ नहीं बढ़ा मतलब? हाँ भाई, इतना ही चेहरा है इसका, कानों में कुंडल, माथा, आँख सब है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अपने आप ही निकला था? अपने आप निकले मुझे नीचे से। अच्छा, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कोई नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और बिजनौर टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।